Perfect. हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को आम की एक नई रेसिपी मिठाई की देने जा रही हूँ, जिस मिठाई की नाम है आम रस कदम। मेरे पास जिसके लिए दो पके हुए आम हैं, जो ग्राम्स में 400 ग्राम के करीब होंगे। इसका मैं प्योरी बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं प्योरी, आम का प्योरी बना रही हूँ। उसके बाद दो कटोरी मैं नारियल का बुरादा डालूँगी इसमें। और दो कटोरी दूध डालूँगी, दूध ले ली हूँ। और ये 5 चम्मच चीनी डाल दूँगी। अब इसका मैं प्योरी बना लूँगी। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हमारा मावा तैयार हो गया नारियल और दूध से। इस मिठाई में ना ही हमें घी की ज़रूरत है और ना ही मावा की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, अब इसको मैं कढ़ाई में मिश्रण में बना के लाई हूँ, सबको डाल लूँगी। बनाने में बहुत कम समय लगता है और चीनी की मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 चम्मच डाला है आम को देखते हुए। इसको हमें मीडियम आंच पे पकाते हुए खोए की तरह बना लेना है। हमें इसको जब तक पकाना है, जब तक कढ़ाई से ये खोआ की तरह अपने आप छोड़ने ना लगे। कितना जल्दी ये मावा बन जाता है। अब इतना हम इसे छोड़ देंगे। अब इसकी अंदर की स्टफिंग बना लेंगे। इसको हमें चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगा, नीचे से जलने का डर रहेगा। इसे हमें से चलाते भी रहना है और काम भी करते रहना है। इसके लिए हमें दोस्तों 4 चम्मच काजू चाहिए, 1 चम्मच बादाम चाहिए, 1 चम्मच घर की ताजी मलाई चाहिए और ये 2 चम्मच से बड़ा नारियल का बुरादा चाहिए। अब इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे। एक चम्मच भर के हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और ये घर की एकदम ताजी मलाई है, इसको डालेंगे। या तो आप यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं या दूध भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मलाई ही डालें। देखिए दोस्तों, मैं इसको पीस कर ले आई हूँ। इसका मैं छोटा छोटा नींबू के आकार का बॉल बना लूँगी। नींबू से छोटा बनाएंगे, नींबू के आकार का। दिखा दो वीडियो में। अब यहाँ पर गैस हम मीडियम करेंगे या तो बंद कर देंगे, आपको जैसा अच्छा लगे। उसके बाद आम का प्यूरी डालेंगे इसमें।
इसमें जो लगा है सब डाल, और इसे पकाते हुए अच्छी तरह हम कढ़ाई से जब तक छोड़ने ना लगे तब तक इसे हम पकाएंगे। दोस्तों आपकी मिठाई में कलर अच्छी नहीं आती है तो आप रेड ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो हल्दी भी डाल सकते हैं। मैं कोई कलर किसी मिठाई में कलर के लिए कभी भी मैं फूड कलर का यूज नहीं करती हूँ। मैं हल्दी सब्जियों से रंग बनाती हूँ अपना नेचुरल कलर, और मैं आप सबको भी यही बोलती हूँ कि आप भी हल्दी से ही पीला कलर बनाइएगा। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा और उपयोगी है। और हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में बहुत सहायता मिले, तो हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए कलर से कितना अच्छा आया है, ना इसमें हमें कोई कलर डालने की आवश्यकता है ना ही हल्दी डालने की आवश्यकता है। देखिए अब ये कढ़ाई से छोड़ने लगा है, देखिए इस तरह से हो गया। ये इसका बैटर पूरा तैयार है मिठाई के लिए। देखिए इस तरह का बैटर पूरा हो जाना चाहिए, कढ़ाई से पूरा अलग हो जाना चाहिए ताकि लड्डू बांधने में हमें कोई परेशानी ना हो। और इसमें हमें कोई भी खुशबू डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेचुरल आम का खुशबू है और नारियल का अपना खुशबू है, इसलिए हमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। जब इस तरह का बैटर हो जाए तब हमें गैस को बंद कर देना है। इस तरह का इसका डोर चाहिए, और ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गुनगुना ही है। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो हम इसे चिपटा कर लूंगी, उसके बाद इसको रख के बीच में इसको कवर कर दूंगी। देखिए इसे घी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका खुद का अपना घी है। देखिए कितना सुंदर इसका लड्डू बन रहा है, हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। नींबू से थोड़ा सा बड़ा, नींबू के साइज का इसका, नींबू जैसा बड़ा आकार का इसका लेना है। इसको मैं बीच में रखूंगी और इसको बंद कर दूंगी। बहुत इजी है दोस्तों ये मिठाई बनाना, अपने घरों में बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी मिठाई कैसी बनी। फिर उसका लड्डू बनकर तैयार हो गया। अब इसे मैं आप सबको कट करके दिखाती हूँ। देखकर कैसा लग रहा है बताइए आप सब।